नमस्कार, मैं हूं नवरात्रि ऐश्वर्या। ग्रैंड एशियन न्यूज के साप्ताहिक राशिफल के कार्यक्रम क्या कहते हैं सितारे में आपका स्वागत है। दर्शकों, राशिफल हमें अपने भविष्य के बारे में न केवल जानकारी प्रदान करता है अपितु ग्रह नक्षत्रों की दशा दिशा एवं चाल को जानकर उनके अनुसार उपाय कर व्यक्ति अपने दिनचर्या तथा जीवन को सरल एवं सुगम बना सकता है। और तो और, केवल कुछ आसान से उपाय कर हम अपने भविष्य में बड़े बदलाव भी ला सकते हैं। अतः आप अपना साप्ताहिक राशिफल एवं हर राशि के अंत में राशि अनुसार सप्ताह को शुभ बनाने के उपाय जानने के लिए हमारे इस कार्यक्रम में अंत तक बन रहे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं राशि फल की ओर। दर्शकों, ध्यान रखें, इस हफ्ते का यह राशि फल 4 सितंबर से 10 सितंबर तक के लिए है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि, इस सप्ताह आपको पिछली कड़ी मेहनत का फल मिलने वाला है। वित्तीय मामले सुलझेंगे जिससे आपको पर्याप्त लाभ मिलेगा। अपने व्यवसाय के लिए दीर्घकालिक रणनीतियों को प्राथमिकता दें। कर्मचारी उन्नति की अवधि की उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि एक छोटी यात्रा आपके दिमाग को तरोताजा कर सकती है, नए विचारों का और उत्साह को जगा सकती है। इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य स्थिर रहेगा। अविवाहित के लिए विवाह का प्रस्ताव भी आ सकता है। इस सप्ताह आपके लिए होगा शुभ अंक 2 और शुभ रंग गुलाबी। आप इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए सप्ताह की शुरुआत गाय को हरा चारा खिलाकर करें। आगे बढ़ते हैं वृषभ राशि की ओर। वृषभ राशि, इस सप्ताह आपके लिए आप खुशखबरी के क्षण आएंगे। बार बार यात्रा करना थका देने वाला हो सकता है, लेकिन यह आर्थिक लाभ और आनंद दोनों लाता है। काम सुचारू रूप से आगे बढ़ने की भी उम्मीद है। आपके परिवार के सदस्य आपके प्रयासों की सराहना भी करेंगे और जीवन साथी को अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता है, परंतु आपके साथी का साथ आपको मिलते रहेगा और इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य सामान्य भी रहेगा। आपके लिए शुभ अंक 4 और शुभ रंग लाल रहेगा। आप इस सप्ताह की शुरुआत भाई बहन को कुछ अपनी ओर से गिफ्ट कर करें। अब बारी आती है मिथुन राशि की। मिथुन राशि, इस सप्ताह आपको धन लाभ हो सकता है। यात्रा करने का विचार बना सकते हैं। इस सप्ताह आपको आकर्षक नई योजनाओं और निवेश के अवसरों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन जीवन साथी के साथ आप अपना बर्ताव सही रखें। बुद्धिमानी यह है कि जो लोग हाल में ही बीमारी से उभरे हैं, उन्हें अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहना चाहिए। इस सप्ताह आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय जरूर बिताएं। आपके लिए शुभ अंक 3 और शुभ रंग हरा रहेगा। मिथुन राशि के जातक के सप्ताह को शुभ बनाने के लिए सप्ताह की शुरुआत हरी इलायची खाकर करें। आगे बढ़ते हैं कर्क राशि की ओर। कर्क राशि, इस सप्ताह आपके नए संपर्क आपके लिए अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने और अपने समूह में सम्मान अर्जित करने के लिए क्षितिज और अवसर खोलेंगे। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से अप्रत्याशित सहयोग आपका उत्साह बढ़ाएगा। यदि आप सामाजिक समारोह में शामिल होते हैं तो नए दोस्त बनाने पर विचार करें। हालांकि विभिन्न मुद्दों पर अपने साथी या जीवन साथी के साथ मतभेद करने से बचे। स्वास्थ्य का पूर्णतः ख्याल रखें। आपके लिए शुभ अंक 6 और शुभ रंग पीला रहेगा। सप्ताह को शुभ बनाने के लिए आप सप्ताह की शुरुआत धार्मिक स्थल पर जाकर करें। अब बारी आती है सिंह राशि की। सिंह राशि, यह सप्ताह आपको आर्थिक रूप से लाभ करा सकता है। सप्ताह की शुरुआत आपकी नौकरी में कार्यभार बढ़ा सकती है। पिछले निवेश से प्राप्त लाभ आपके आने वाले दिनों में रौनक लाएगा। यात्रा की योजनाएं फलदायी होंगी जिससे आपके व्यवसाय को नए स्थानों पर विस्तार करने का अवसर भी मिलेगा। स्वास्थ्य के मोर्चे पर यह सप्ताह सकारात्मक संकेत लेकर आ रहा है। पार्टनर के साथ समय अच्छा रहेगा। आपको कुछ उपहार भी मिल सकता है। के लिए शुभ अंक 5 और शुभ रंग नारंगी रहेगा। आप इस सप्ताह की शुरुआत सूर्य देवता को जल चढ़ाकर करें। आगे बढ़ते हैं कन्या राशि की ओर। कन्या राशि, यह सप्ताह आपके लिए बेहतरीन रहेगा। दूसरों से आपको सराहना और मदद मिलती रहेगी। यह समय सीमा आपके करियर के लिए विशेष रूप से अनुकूल है, हालांकि इसमें कुछ समय लग सकता है। आपकी तैयारी आपको अपने इच्छित उद्देश्यों की ओर ले जाएगी। इस अवधि के दौरान आपकी सामाजिक स्थिति और प्रतिष्ठा में भी सुधार होना तय है। कार्यस्थल पर अनावश्यक जिम्मेदारियां ना लें। आपके लव लाइफ और रिश्ते मजबूत होंगे। हालांकि कुछ स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं हो सकती है, अतः सावधान भी रहे। आपके लिए शुभ अंक 7 और शुभ रंग नीला रहेगा। आप इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए सप्ताह की शुरुआत किसी जरूरतमंद को भोजन खिलाकर करें। आइए अब बात करते हैं तुला राशि की।
तुला राशि यह सप्ताह मिला जुला परिणाम देने वाला सिद्ध होगा। हालांकि आपका दिमाग त्वरित निर्णय लेने के लिए तेज है, लेकिन सलाह दी जाती है कि किसी बड़े से राय लेकर ही कोई बड़ा कार्य करें। कोई महत्वपूर्ण समाचार मिल सकता है। अपने उद्देश्यों पर ध्यान आकर्षित करने की जरूरत है। आपकी यात्रा की योजनाएं सुचारू रूप से चलेंगी और आप समय पर कार्य आसानी से पूरे कर लेंगे। योग और एक्सरसाइज के लिए इस सप्ताह अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें। आपके लिए शुभ अंक 9 और शुभ रंग कत्थई रहेगा। जातक इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए सप्ताह की शुरुआत चंद्रदेव को दूध मिश्रित जल अर्पित करके करें। अब बारी आती है वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि, इस सप्ताह आर्थिक तौर पर आपकी स्थिति मजबूत होगी। आप उम्मीद से बेहतर करेंगे। यात्रा के दौरान आपको विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। आप में से कुछ लोग सफलतापूर्वक एक बड़ा अनुबंध समाप्त कर सकते हैं, जिससे पर्याप्त लाभ भी होगा। कड़ी मेहनत और पढ़ाई पर एकाग्रता से आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। जैसे जैसे आप नए संबंध तलाशेंगे, रोमांस हवा में रहेगा। नियमित अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए उचित व्यायाम और आहार लें। आपके लिए शुभ अंक 1 और शुभ रंग आसमानी रहेगा। आप इस सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए सप्ताह की शुरुआत दही शक्कर खाकर करें। अब बारी आती है धनु राशि की। धनु राशि, आप अपने वरिष्ठों और उच्च अधिकारियों का विश्वास जीतने में सफल हो जाएंगे। वित्तीय स्थिति में सुधार होने की भी उम्मीद है, क्योंकि आपके पुराने निवेशों से अच्छा रिटर्न मिलेगा। छात्रों को अपने लक्ष्य और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। अपने ज्ञान का विस्तार करना और नए पाठ्यक्रमों पर हस्ताक्षर करना फायदेमंद रहेगा। इस अवधि में अटकलें लगाने से आपको कोई लाभ नहीं होगा। जीवन साथी आपकी देखभाल करेंगे और आपको प्यार और स्नेह प्रदान करेंगे। इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की जरूरत है। आपके लिए शुभ अंक 8 और शुभ रंग सुनहरा रहेगा। इस सप्ताह को शानदार बनाने के लिए आप सप्ताह की शुरुआत भक्ति भजन सुनकर करें। तो चलिए चलते हैं मकर राशि की ओर। मकर राशि, इस सप्ताह आपके भौतिक सुख संसाधनों में वृद्धि होने वाली है। विद्यार्थियों को पढ़ाई में मेहनती रहना चाहिए। बच्चे आपसे सलाह और मार्गदर्शन लेंगे और आप रिश्तेदारों और करीबी दोस्तों से समर्थन का आनंद लेंगे। कुछ लोगों को नए रोमांस की शुरुआत भी मिल सकती है। किसी भी पुरानी स्वास्थ्य संबंधी चिंता का समाधान करना महत्वपूर्ण है, जिसे नए आहार और व्यायाम दिनचर्या के माध्यम से प्रबंधित किया जा सकता है। आपका स्वास्थ्य धीरे धीरे नियंत्रण में आ जाएगा। आपके लिए शुभ अंक 9 और शुभ रंग लाल रहेगा। जातक सप्ताह को शुभ बनाने के लिए सप्ताह की शुरुआत सूर्य देवता को जल अर्पित करके करें। अब बारी आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि, इस सप्ताह व्यवसाय के प्रति आपके सीधे और व्यवहारिक दृष्टिकोण से पर्याप्त लाभ होगा। बचे हुए काम आसानी से पूरे हो जाएंगे और किसी आध्यात्मिक व्यक्ति का आशीर्वाद लेने से आराम और मानसिक शांति मिलेगी। आपके प्रियजनों की प्रगति से राहत मिलेगी। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं सामने आ सकती है, लेकिन वे आसानी से हल भी हो जाएंगी। आप भी जॉगिंग और व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल जरूर करें। आपके लिए शुभ अंक 3 और शुभ रंग हरा रहेगा। जातक सप्ताह को शुभ बनाने के लिए सप्ताह की शुरुआत गरीबों को कुछ दान करके करें। अब बात करते हैं अंतिम राशि मीन की। मीन राशि, इस सप्ताह आपके वित्तीय स्थिति में सुधार होगा और आप विलासिता पर बहुत अधिक खर्च भी कर सकते हैं। आपकी पहचान पहचाने जाने से आपको खुशी प्रदान होगी। आप कुछ धार्मिक स्थलों की यात्रा भी कर सकते हैं या सेमिनार में आप भाग ले सकते हैं। युवा एक आनंददायक छुट्टी की आशा कर सकते हैं। आपके निजी मामले संदेह के घेरे में भी आ सकते हैं। इस सप्ताह आप में से कुछ लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी हो सकती है, इसलिए आप अपना ख्याल रखें। आपके लिए शुभ अंक 2 और शुभ रंग सफेद रहेगा। आप इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए सप्ताह की शुरुआत शिवलिंग पर जल अर्पित करके करें। अतः दर्शकों, इसी तरह हमारा यह खास पेशकश साप्ताहिक राशिफल देखने के लिए ग्रैंड एसी न्यूज पर हर हफ्ते बने रहिएगा। अब तक के लिए इतना ही। आप सभी दर्शकों का धन्यवाद। नमस्कार।